शांति। एक बार हम सब मिलकर फिर से प्रेम से बोलें, ओम शांति। धन्यवाद। ईश्वरीय शक्ति व वरदानों को प्राप्त करने का माध्यम जो एक समाज सेवा है, किस प्रकार से हम व्यवहारिक रूप में उसके द्वारा सच्ची समाज सेवा कर सकते हैं, और वह भी तभी कर सकते हैं जबकि हमारे अंदर ईश्वरीय शक्ति और उसकी अनुभूति हो, वरदानों का अनुभव हो। तो यह विषय तो बहुत सारगर्भित हैं, आज के समय के अनुकूल हैं, आज की विशिष्ट आवश्यकता है। आज मनुष्य तीन बातों से विशेष ग्रस्त है, भ्रम, भय और भोग। इन तीन बातों से आज का मनुष्य विशेष ग्रस्त है। और इसमें भी अगर हम गहनता में जाएं तो ज्ञात होगा कि भय का भी जो विशेष कारण है, वह एक विशेष कारण है अज्ञानता और भोगवाद की संस्कृति। इस कारण से ही आज के मनुष्य के अंदर समय प्रति समय भय का वातावरण बहुत पैदा होता रहता है। एक स्वाभाविक भी है, जिस संसार में हम जी रहे हैं बहुत अनिश्चितताएं हैं, कहीं पर स्वास्थ्य का, संबंधों की, कहीं पर फाइनेंस, जो अभी देखा पिछले कुछ वर्षों से रिसेशन का वातावरण आदि आदि। और इस कारण से आज का मनुष्य जिस वातावरण में जी रहा है उसमें काफ़ी हद तक यह सब होना स्वाभाविक है। दूसरी तरफ हम कहते हैं मानव सेवा ही प्रभु सेवा है, अक्सर ऐसा कहने में आता है। और मानव मानव को मिलकर ही समाज बनता है, मनुष्य समाज की इकाई है। और इसी कारण से यदि हम समाज सेवा द्वारा ईश्वरीय शक्तियों और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए ये आवश्यक है मानव सेवा की जाए। और हम सब जानते हैं, कहा जाता है ईश्वर इस सृष्टि का निर्माता है, भगवान ने अपनी कल्पना में इस सृष्टि का निर्माण किया। तो जो जैसा होता है वह चाहता है मेरे बच्चे भी वैसे ही बने। आज की लौकिक दुनिया में भी देखते हैं, कोई वकील होता है चाहता है उसका बच्चा भी अच्छा वकील बने, डॉक्टर चाहता है मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर चाहता है इंजीनियर आदि आदि। ऐसे ही भगवान परमात्मा भी चाहता है मेरे बच्चे भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा बने, मेरे समान बने। और तभी संभवतः हम उसकी कृपा के अधिकारी होंगे, शक्ति और वरदानों के। किसी ने बड़ा ठीक ही कहा है कि भगवान की परिभाषा करते हुए कि भगवान कौन हो सकता है। इन शब्दों के ऊपर ही अगर हम ध्यान दें तो ये चार भगवान, ये जो शब्द हैं, भगवान वो हो सकता है जो प्रकृति के पांच तत्वों को वश में करके प्रकट होता है। क्योंकि ये जो शब्द हैं भ, ये है भूमि का प्रतीक, ग गगन का प्रतीक, व वायु का, व के आगे जो डंडा है अ वो अग्नि अर्थात सूर्य का, और न अर्थात नीर जल। तो जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये प्रकृति के जो पांच तत्व हैं जो इनको वश में करके प्रकट होता है, जिस जो ये सब तत्व ईश्वर के अधिकार में हैं उसे भगवान कहते हैं। और भगवान ने जिस मनुष्य की अपने संकल्पों के अपने रचना की, उसने अपने संकल्पों के आधार पर, तो भगवान भी ये चाहता है कि मेरे मनुष्य बच्चे वो भी प्रकृति के इस पांच तत्वों के बने हुए शरीर को
इन कर्मेंद्रियों को अपने वश में रखें। और इस कारण से ही संभवतः ये कहा जाता है कि ये संसार जो है पुरुष और प्रकृति का खेल है। पुरुष अर्थात आत्मा और प्रकृति अर्थात पांच तत्वों से बना ये शरीर। और इस पुरुष और प्रकृति के खेल में हम आज देख रहे हैं कि भगवान ने तो इस तरीके से रचना की थी कि इस पुरुष के अधिकार में ये प्रकृति रहे, लेकिन आज तो देखने में उल्टा ही आता है। अक्सर करके हम कह देते हैं मैं चाहता तो नहीं ये करना, हो जाता है। मैं क्रोध करना तो नहीं चाहता था, मेरे मुंह से ये शब्द निकल गए। अक्सर करके आज हम जिस युग में जी रहे हैं वो है बहुत विज्ञान का युग, और इस युग में इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन है। चारों तरफ सब प्रकार की इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ही है, ज्ञान ही ज्ञान है। लेकिन कितनी विडंबना है कि यह ज्ञान होते हुए भी हम उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिगरेट डिब्बी होती है, उस पर लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जानते हुए भी अपनी कमजोरियों के वशीभूत होकर हम धूम्रपान कर लेते हैं, और इस कारण से ये अनेक बीमारियों के वशीभूत हो जाते हैं। जानते हैं डॉक्टर कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, ऐसे हार्मोन्स का सेक्रीशन होता है जो मनुष्य की डिसीजन मेकिंग पावर को क्लाउडी कर देता है और वो ठीक सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाएगा। लेकिन फिर भी हम कह देते हैं क्या करें, क्रोध करना नहीं चाहते थे, क्रोध आ गया। और ये ऐसी अनेक बातें हैं जिनके लिए हम कह देते हैं मैं करना नहीं चाहती थी या चाहता था, हो गया, जो सिद्ध करता है कि वास्तव में आत्मा के वश में ये शरीर नहीं रहा है, शरीर की कर्मेंद्रियों के वशीभूत आज हमारी आत्मा हो गई है। और इस कारण से शरीर के कर्मेंद्रियों के वशीभूत होने के कारण ही बस अनेक प्रकार की आज समस्याएं संसार में हैं। और इसीलिए संभवतः हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत अच्छा कहा है, हर चीज़ की जड़ में गई है हमारी भारतीय संस्कृति, उसने हर चीज़ की जड़ कहा है मन। मन में ही हर चीज़ का निर्माण होता है। वैसे भी कहते हैं वार इज फर्स्ट फॉट इन माइंड देन ऑन द बैटल फ्रंट, एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन द माइंड एंड देन ऑन द एक्चुअल फ्रंट। हर चीज का निर्माण दो बार होता है, पहली बार मन में, दूसरी बार वास्तविक धरातल पर। आज जिस हाल में आप बैठे हैं ये, इसको हम डायमंड हॉल कहते हैं। इसकी कल्पना हमारे जो फॉर्मर चीफ थी दादी प्रकाशमणि जी, उन्होंने की थी। इतने सब परमात्मा के बच्चे आएंगे, कहाँ बैठेंगे? अभी तक हमारे पास हॉल तो 3-4 हज़ार कैपेसिटी के ही हैं। और इसके उन्होंने पहले कल्पना की, उनके मन में विचार आया ऐसे 20-25 हज़ार की कैपेसिटी का हॉल होना चाहिए, और उसके बाद इसने वास्तविक शेप ली। दुनिया की हर चीज़ का निर्माण पहले मन में होता है, और इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में बड़ा अच्छा कहा है मन के लिए, मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत, मन के जीते जी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यहाँ तक कि गीता में भी कहा है मन मना भव, तन मना भव या धन मना भव या संबंध मना भव नहीं, मन मना भव। तो यदि हम ईश्वरीय शक्तियाँ और उसका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो पहली बात हमें ये करनी होगी कि हमें अपने मन के ऊपर नियंत्रण करना होगा। मन जीतेंगे जगत जीत बन जाएंगे। कैसे करेंगे? कहना तो बड़ा आसान है, बड़ा मुश्किल का समझा जाता है, बड़ा मुश्किल, लेकिन परमपिता परमात्मा ने आकर बताया है कि नहीं, ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगर पुरुषार्थ सही दिशा में है तो बहुत सहज है। जैसा मैं बता रहा था, आज का मनुष्य भ्रम, भय और भोग से पीड़ित है। तो पहली बात, ये भ्रम को दूर करें जो आज संसार में व्याप्त है। हम सब भी समझते हैं वो हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस, सबसे पहला भ्रम तो हम ये समझते हैं मैं कौन हूँ। पूछेंगे किसी से, वो अपने शरीर का परिचय दे देगा, मैं फलाना हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, वकील, जो भी है, नाम, पेशा, कहाँ रहता है, आदि आदि। लेकिन वास्तव में यही हमारा संपूर्ण परिचय नहीं है। वास्तविकता ये है कि हम
आत्मा है और हमने ये शरीर धारण किया है इस सृष्टि नाटकशाला में खेल खेलने के लिए। तो पहले तो हमें इस भ्रम से बाहर निकलना होगा कि मैं शरीर हूँ, ये पांच तत्वों का बना पुतला हूँ, नहीं, मैं वास्तव में आत्मा हूँ और इस शरीर के द्वारा मैं ये खेल खेल रहा हूँ या खेल खेल रही हूँ। तो पहला हमारा ये भ्रम दूर करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ और क्या आवश्यकता, इससे क्या होगा, जैसे ही हम समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ और हम सब पार्ट बजा रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, तो क्या होगा, किसी का पार्ट देखकर, खेल देख करके हमें मन में क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब नेगेटिविटी नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, फिल्म में दो एक्टर होते हैं, आपस में दोनों फ्रेंड हैं, मित्र हैं, मान लीजिए अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र हैं, दो आपस में मित्र हैं, लेकिन किसी फिल्म में उन्हें पार्ट मिला है कि भाई एक को विलेन का पार्ट मिला है, एक को हीरो का पार्ट, और उन्हें आपस में लड़ना है, झगड़ना है, लेकिन उस समय वो पार्ट वो प्ले करेंगे, लेकिन उनकी बुद्धि में स्पष्ट है कि हम दोनों अदरवाइज भाई मित्र हैं और ये कपड़े बदल के ये पार्ट बजा रहे हैं, और जैसे ये पार्ट पूरा होगा हम कपड़े बदल के वापस अपने घर चले जाएंगे एज ए फ्रेंड। बस यही जीवन में दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए कि हम सब आत्माएं वास्तव में आपस में भाई भाई हैं, भाई बहन हैं, किसी को पति का पार्ट है, किसी को पत्नी का, किसी को बाप का, किसी को बेटे का, किसी को भाई का, आदि आदि अलग अलग पार्ट हैं, यहाँ पार्ट बजा रहे हैं। तो पार्ट देख करके कभी ये नहीं होता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, जो विलेन है वो तो जो हीरो हीरोइन है उनके पार्ट में बाधा डालेगा ही, उसका पार्ट ही है ऐसा, तो दिल में ये नहीं आएगा। ऐसे ही अगर हमारे सामने कोई क्रोध करेगा, ईर्ष्या करेगा, अहंकार आएगा, कुछ किसी निगेटिविटी की भावना से आएगा, नकारात्मकता से, हमें उसके ऊपर क्रोध आदि नहीं होगा। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम ये समझें कि मैं भी पार्टधारी हूँ और सब खेल खेल रहे हैं, हम सब मिलके पार्ट। साथ ही साथ और क्या है, संबंधों में कटुता क्यों आती है, जितना जितना हम ये बात धारण करते जाएंगे ईश्वरीय शक्तियों के और आशीर्वाद के अधिकारी बनते जाएंगे। पार्ट किसी का देख के, कोई है सास बहू का है या बाप बेटे का है, आपस में उनका कुछ संबंधों में कटुता हो जाती है, क्यों, क्योंकि हम अपनी इच्छा से दूसरे को चलाना चाहते हैं, मैं ये बड़ा हूँ, अनुभवी हूँ, मैं ये कहता हूँ, वो छोटा है, उसको मेरी बात माननी चाहिए। जब ये एटीट्यूड जीवन में आ जाता है, हम अपनी पुरानी भारतीय संस्कृति को भूल जाते हैं जिसने एक महामंत्र दिया था, कौन सा, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव, ये हमारी भारतीय संस्कृति का महामंत्र है। और जब ये हमारा एटीट्यूड हो जाएगा तो जियो और जीने दो, हम दूसरे के जीवन में कोई भी बाधा नहीं डालेंगे। शायद इसी भावना से प्रेरित होके हमारे मनीषियों ने, विद्वानों ने वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया, लेकिन हम लोगों ने उसे बड़े ही सीमित सेंस में ले लिया। उन्होंने किस दृष्टिकोण से वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया था, वसुधा पृथ्वी ही हमारा परिवार है, हमने केवल ये समझ लिया कि मनुष्य जाति के, चाहे अलग अलग धर्म के हैं, हिंदी चीनी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई कह दिया, लेकिन इसका भाव केवल इतना ही नहीं है, इसका भाव ये है वसुधा ही हमारी कुटुंब है, परिवार है। तो इस वसुधा पर पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे ये सब हमारे परिवार का अंग है। कैसे हैं ये अंग, जैसे मनुष्य का बच्चा जब पैदा होता है, छोटा होता है, बस माँ ही उसका संसार है, माँ से ही उसे दूध मिलता है, पालना होती है, प्यार मिलता है, बस माँ की छाती से ही लगा रहता है। इस दृष्टि से जो पेड़ पौधे हैं, धरती माता में जहाँ भी लगाए जाते हैं, जीवन पर्यंत वहीं लगे रहते हैं और धरती से ही उन्हें सारा पोषण प्राप्त होता है। इस दृष्टिकोण से हम देखें तो हमारे वसुधैव कुटुंबकम, हमारे इस परिवार के सबसे छोटे मेंबर जो है, यंगेस्ट मेंबर है, ये पेड़ पौधे हैं, क्योंकि जीवन पर्यंत ये लगे रहते हैं धरती माता के साथ। फिर मनुष्य का बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है, कैसे चलना सीखता है, दो हाथ दो पैर से, सीधा ही दो पैर से खड़ा होके नहीं, पहले चार से चलता है और उससे चलना सीखता है।
इस रीति से जो चौपाए हैं जो पशु हैं वो हमारी इस फैमिली के सेकंड यंगेस्ट मेंबर हैं उनके साथ भी हमें कितने प्रेम प्यार उससे रहना चाहिए और फिर मनुष्य है तो एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली है सबसे बड़ा है तो इसीलिए हमारा दृष्टिकोण ये होना चाहिए जैसे अपने परिवार में हमारा दृष्टिकोण हमारे छोटे भाई बहनों के प्रति बच्चों के प्रति ये होता है अरे ये छोटे हैं उनकी भूल को माफ़ कर दो छोड़ दो चलो कोई बात नहीं बच्चे गलती करते हैं कोई लेकिन हमारा एटीट्यूड क्या संसार के सभी प्राणियों सबके लिए ये ऐसा है आज तो हम पेड़ पौधों को जो हमारे यंगेस्ट मेंबर हैं उनकी संभाल करने की बजाय प्रकृति का दोहन कर रहे हैं और इस कारण ही विश्व की सबसे बड़ी समस्या ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज ओजोन लेयर डिप्लीशन आदि ये सारी विश्व की महानतम बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं इनको हमने ही जन्म दिया है क्यों क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम का नारा भूल गए कि ये हमारे परिवार के सदस्य हैं क्षमा भाव ये जीवन में आवश्यक है परमात्मा को हमेशा देखो बड़े से जितना भी इतिहास पढ़ लीजिए जो भी महापुरुष होके गए हैं मदर टेरेसा हो गौतम बुद्ध हो महावीर स्वामी हो या कोई भी देवी देवता होके गए हैं श्री कृष्ण राम आदि उनमें क्षमा भाव विशेष था तो परमात्मा भी चाहता है उसकी शक्ति और आशीर्वाद हम तब प्राप्त कर सकेंगे जब हमारे में क्षमा भाव होगा जब हम क्षमा नहीं कर पाते तो वो बात हमें चुभती रहती है और हमारे अंदर बदले की भावना होती है उसने मेरा अपमान किया मैं भी उसका ये करूं ऐसे भावनाएं आती रहती हैं क्षमा करो और क्षमा मांग लो जीत है इसमें हार नहीं क्षमा वीरों का भूषण है कायर का व्यवहार नहीं जो कायर होगा वो क्षमा नहीं कर पाएगा जो वीर होगा महावीर होगा वो ही क्षमा कर सकता है इस दृष्टिकोण से अगर हम रहेंगे तो क्या होगा सदा जीवन में मुस्कुराते रहेंगे खुश रहेंगे जीवन में जीतना उतना जरूरी नहीं जितना जीतने की भावना जरूरी है आप इतिहास देख लीजिए इतिहास इस बात का साक्षी है क्या झांसी की रानी राणा प्रताप शिवाजी इन्होंने विजय प्राप्त की संभवतः नहीं जीत नहीं सके लेकिन जीतने की भावना थी इन्होंने लाखों लोगों के दिलों को जीत लिया आवश्यकता आज जीतने की है भावना हमारी जीतने की हो कोई ये भावना ना हो मैं जीतूं और दूसरा हारे नहीं हम भी जीते आई विन यू विन बस ये स्टेट ऑफ माइंड जब होती है मनुष्य जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है और जो गीता में कहा है ना क्या कि मुझे वो प्रिय है जो जिसकी मानसिक स्थिति कैसी हो मान अपमान निंदा स्तुति हानि लाभ दुख सुख सब में हमारी मानसिक स्थिति समान रहे भगवान को ऐसे योगी बच्चे प्रिय हैं इसीलिए किसी ने बड़ा अच्छा कहा है गौर से सुनिएगा क्या कहा है फूल बनकर मुस्कराना जिंदगी है फूल बनकर मुस्कराना जिंदगी है मुस्कराकर गम भुलाना जिंदगी है जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ हार कर भी मुस्कराना जिंदगी है जीवन में जीतने पर तो सभी खुश हो जाते हैं लेकिन हार भी जाएं तो भी हमारे चेहरे की खुशी मन की खुशी गायब ना हो ये आज आवश्यकता इस बात की है और तभी हम ईश्वर से सच्ची शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं एक अन्य बात यह है आप किसी परिवार में जाते हैं हा? उनके बच्चों को प्यार देते हैं टॉफी दी बच्चों के साथ बहुत स्नेह भाव करा ऑटोमेटिकली माता पिता भी खुश हो जाते हैं माता पिता तक पहुंचने का साधन ही है बच्चे बच्चों का दिल जीता ऐसे ही हम सब जितने मनुष्य आत्माएं हैं हम सब परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं तो परम पिता परमात्मा से गुण और शक्तियाँ आशीर्वाद वरदान तब प्राप्त कर सकते हैं जब परमात्मा के बच्चे जो भी मनुष्य मात्र हैं जो आज कोई दुख से पीड़ित है अभाव से पीड़ित है उनकी सेवा करके सच्चे दिल से सेवा करके करें तो हमें ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रीति से ही जो पिता है परमात्मा है उनसे वरदान और शक्तियाँ ये प्राप्त होंगी इसलिए अगर परमपिता परमात्मा तक पहुँचना है तो एक बात हमें और ख्याल रखनी है दूसरों की हम सेवा कब कर सकते हैं
कभी गौर से सोचे आप तब कर सकते हैं जब हमारा अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण होगा. मेरी ही इच्छा होगी मुझे ये मिले, ऐसा करूं, इतना पोजीशन मिले, ये हो, दूसरे की तरफ हमारी बुद्धि, हमारा तन मन धन नहीं जाएगा. दूसरों की सेवा तभी हो सकती है जब हमारा अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण हो. यही बात कवि भरत हरि ने बड़ी अच्छी तरह कही थी कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न याति वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा. कि हम भोगों को नहीं भोगते लेकिन धीरे धीरे भोग हमें भोगते चले जाते हैं, हमें अपना गुलाम बना लेते हैं. क्यों? क्योंकि तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, हम जीर्ण कमजोर बूढ़े होते चले जाते हैं, जो तृष्णाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो और बलवती और जवान होती चली जाती हैं. तो आवश्यकता इस बात की है किस प्रकार से हम इस पर नियंत्रण रखें. इसका भी सॉल्यूशन हमारी भारतीय संस्कृति में दिया है. जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, कोई तन की समस्या, समाज की, धन की, बच्चों की, पोजीशन की, आदि आदि. और उन सब समस्याओं को तीन भागों में बांटा गया है, आदि, व्याधि और उपाधि. सब प्रकार की संसार की समस्याएं आदि, व्याधि, उपाधि. और इसका उपाय बताया गया है बड़ा सहज. इसका उपाय है समाधि. समाधि माने कोई घर गृहस्थी छोड़ के जंगल में, हिमालय पर, समुद्र में नहीं चले जाएं, बल्कि मन को समाधिस्थ कर दें. बाहर सॉल्यूशन ढूंढने की बजाय हम जितना अंतर की गहराइयों में उतरेंगे उतना हमें इन सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त होता चलेगा. इस कारण से आज आवश्यकता इस बात की है कि हम बाहर का तो डेवलपमेंट आवश्यक है. जो देख रहे हैं बड़ा अच्छा कहा है, किसी ने आपने सुना भी होगा इसमें, जो विज्ञान की तरक्की वगैरह के लिए कहा हुआ है. लेकिन विज्ञान की तरक्की के साथ साथ आज आवश्यकता है कि अंदर की तरक्की. अंदर हम जितना अपनी गहराइयों में, मन की गहराइयों में उतरते चले जाएंगे, योग और ज्ञान की गहराइयों में उतरते चले जाएंगे, उतना हम और मानसिक शांति, शक्ति, आनंद की प्राप्ति करती चलेंगे. और जितना ये शक्तियाँ अंदर आती रहेंगी, सेल्फ एम्पावरमेंट होता रहेगा, उतना उतना हम ईश्वरीय वरदान और शक्ति के अधिकारी बनेंगे. और जितना हमारा एम्पावरमेंट होगा, हम दूसरों का भी एम्पावरमेंट करते रहेंगे, समाज के सभी वर्गों का. इसलिए एक इस बात की आवश्यकता है कि हम सबके साथ मिल करके एक चले. उसके लिए एक बात और आवश्यक है. क्या? जैसा मैं बता रहा था शुरू में ही, ये हमारा शरीर है, हम सब आत्मा है. इसको हम एक इस दृष्टिकोण से देखें कि ये शरीर मेरा मंदिर है, मैं आत्मा इसमें मूर्ति हूँ. जैसे रोज मंदिर की सफाई की जाती है और मूर्ति की भी सफाई की जाती है, मूर्ति को भोग लगाया जाता है, आदि आदि. तो इसी प्रकार से हम शरीर रूपी मंदिर की तो सफाई करते हैं, स्नान पानी करते हैं, भोजन देते हैं, आदि आदि. लेकिन मंदिर में कभी भी सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब आदि का भोग नहीं लगाया जाता. ऐसे ही हम अपने इस शरीर रूपी मंदिर को जितना हम स्वच्छ रखेंगे उतना उतना ईश्वरीय शक्ति के अधिकारी बनते जाएंगे, परमात्मा. जैसा मैंने बताया ना, और गीता में भी बड़ा अच्छा भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, नदियों में भी मैं सिर्फ गंगा नदी में हूँ, पर्वतों में भी मैं सिर्फ हिमालय पर्वत पर हूँ, वेदों में भी मैं सिर्फ साम वेद में हूँ, नागों में भी मैं सिर्फ शेष नाग में हूँ. अर्थात ईश्वर का वास वहाँ होता है जहाँ श्रेष्ठ क्वालिटी है. जो किसी भी कैटेगरी की बेस्ट चीज है वहाँ परमात्मा का निवास होता है. ऐसे ही सारे 84 लाख योनियां, सब मनुष्य श्रेणी, मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है. और इस कारण से मनुष्य जीवन अगर श्रेष्ठ है तो वास्तव में इस जन्म में ही हम परमात्म शक्ति के अधिकारी बन सकते हैं. क्यों? क्योंकि अपने महावाक्यों के अनुसार परमात्मा को हर कैटेगरी की जो बेस्ट चीज है वो प्यारी है.
और इसके लिए और क्या आवश्यक है? इसके लिए ये भी आवश्यक है, मनुष्य जो एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली है, जैसा आपको बताया था, वो बहुत प्रेम से अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ, क्योंकि वो एल्डेस्ट मेंबर है, मनुष्य है, और पशु पक्षी जीव जंतु प्रकृति पंच तत्व ये सब जो है उसके अंडर में है, तो कैसे उसे चलना चाहिए? बड़ा अच्छा किसी कवि ने कहा है, भगवान ब्रह्मा जी जब सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने सब पशु पक्षी जीव जंतुओं का निर्माण कर दिया, फिर वो मनुष्य का उसने निर्माण किया भगवान ने, ब्रह्मा जी ने, तो उन्होंने सोचा मैं ऐसा कैसे क्या बनाऊं इसमें कि ये सबसे मीठा होके चले, बड़े अच्छे वचन बोले, मधुर वचन बोले, प्रेम प्यार से चले। तो कवि के शब्दों में उसमें ही स्पष्ट है कि कुदरत को नहीं थी मंजूर, कुदरत को नहीं थी मंजूर सख्ती इंसान में, इसलिए खुदा ने नहीं बनाई हड्डी जवान में। भगवान ने हड्डी क्यों नहीं बनाई? क्योंकि हड्डी होगी तो जरा कड़क बोलेगा, स्ट्रिक्ट बोलेगा, और जवान फ्लेक्सिबल होगी तो मीठा बोलेगा, इसलिए खुदा ने नहीं बनाई हड्डी जवान में। लेकिन आदमी तो बड़ा क्रिएटिव है, आदमी ने बोला कोई बात नहीं भगवान जी, अब तो आपने मुझे बना ही दिया, भले हड्डी बनाई नहीं बनाई, मैं बिना हड्डी के ही काम चला लूँगा। इसीलिए कह देते हैं, और आज जवान से क्या क्या होता है, पूरा महाभारत एक जवान के शब्द के कारण ही हो गया। आप सब जानते हैं जो द्रौपदी ने कहा, अंधे की औलाद अंधे, एक शब्द के कारण। इसीलिए कहते हैं जवान जो है तख्त भी दिला देती है और तख्ते पर भी चढ़ा देती है। तो भले भगवान ने इसमें हड्डी नहीं दी, लेकिन कहा तो यही जाता है, हा? जवान में हड्डी नहीं होती है, टंग हैज गॉट नो बोन बट इट ब्रेक मैनी बोन्स, हड्डी नहीं होती है जवान में लेकिन बहुतों की हड्डियां तोड़ देती है। आवश्यक क्या है? मुख से मीठा बोलना। इसीलिए शायद मुंह की तुलना किससे की गई है? तीर कमान से, कि मुंह से निकले हुए शब्द और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं होता। आप देखिए मुंह है ना, होठ, ये होठ बिल्कुल तीर कमान की तरह ही है, ऊपर का होठ ऐसा है, नीचे का ये फ्लैट है, बिल्कुल कमान, जैसे कमान से तीर निकलता है ऐसे मुंह से शब्द निकला और बहुतों को घायल कर देता है। और जब शब्द सुनते हैं तो क्या होता है? सुना तो कान से जाता है, तो विद्वानों ने बड़ी अच्छी एनालिसिस की, जैसे मुंह का कमान तीर कमान से कर दी, ऐसे कमान कान क्या है? सुनते हम कान से हैं। आप देखो जैसे कोई भी बात सुनते हैं हमारे मन में क्यों, क्या, कैसे, क्यों कहा इसने, क्या समझता है अपने को, ऐसा शब्द आते हैं। अब कान को आप गौर से देखिए, अपना कान तो नहीं देख सकते, बगल वाले का कान देखिए जरा, तो कान की शेप ही बेचारे की क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है ना, तो बेचारे की शेप ही प्रश्नवाचक है, तो इस कारण से इसके अंदर से जो भी अंदर जाती है शब्द प्रश्न ही पैदा होते हैं। लेकिन अगर गहराई में जाएं, मुंह नहीं बोलता, कान नहीं सुनते, ये तो बाहर की कर्मेंद्रियां हैं, सुनने वाली बोलने वाली देखने वाली वो चैतन्य सत्ता है आत्मा, ये तो बाद में भी रहती हैं, जब आत्मा रूपी रथी चला गया और शरीर को बोल देते हैं, डेड बॉडी जाती है कि ये तो अर्थी जा रही है, बिना रथी के जा रहा है, तो फिर भी कान रहते हैं, मुंह रहता है, आंख रहती है, लेकिन कुछ भी देख बोल सुन नहीं सकते। तो ईश्वर की सच्ची अगर अनुभूति करना चाहते हैं, और अगर हम भी समाज सेवा सच्चे अर्थों में करना चाहते हैं, समाज के एक एक नागरिक की, तो पहले हमें खुद वैसा बनना होगा, और जितना हम वैसा बनते जाएंगे उतना उतना हमारी समाज सेवा में भी श्रेष्ठता आती जाएगी। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो परमात्मा चाहते हैं, सबसे बड़ी बात कि हमारे शरीर और आत्मा के अंदर एक सुसंवादिता हो जाए, हारमनी हो जाए, हम जो करना चाहें वो करें, जो न करना चाहें वो न करें। और ये तभी हो सकता है कि जब हम इस भ्रम भय और भोगवाद की संस्कृति, और इसी कारण से महात्मा गांधी ने भी कहा था भोगवाद क्या संस्कृति, इसमें जितना जितना हम कंज्यूमरिज्म इसमें जाते जा रहे हैं, और इसके कारण ही उन्होंने बड़ा अच्छा फेमस है कि मदर अर्थ इज़ हैविंग सफिशेंट फॉर मैंस नीड बट नॉट फॉर इज ग्रीड,
धरती माता के पास मनुष्य की आवश्यकता के लिए सब कुछ है, लेकिन उसके लोभ और लालच के लिए नहीं है। आज बस मुख्य बात यही है कि हम लोभ, लालच, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब के वशीभूत हो गए हैं और हम अपनी वास्तविक स्थिति को भूल गए हैं। अंग्रेजी में भी कहा है, सोल कहते हैं आत्मा को ना, उसका भाव ही यह है, SOUL, सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लव। आत्मा जो है प्रेम स्वरूप है, और जब हम अपने वास्तविक प्रेम स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाते हैं, यही प्रेम हमें बहुत सुख प्रदान करता है। खाली किताब पढ़ने से, शास्त्र में मंदिर मंदिर जाने से नहीं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित, यानी हमारे जीवन और व्यवहार में ये अगर प्रेम आता है, लेकिन इस प्रेम का भी यथार्थ अर्थ समझना है। प्रेम बहुत अच्छी चीज है, लेकिन यही प्रेम का जब स्वरूप बिगड़ जाता है, यही विकार बन जाते हैं। यही प्रेम जब मेरा अपने देह के प्रति हो जाता है, ओ मैं धनवान हूँ, शक्तिवान हूँ, रूपवान हूँ, युवान हूँ, सत्तावान हूँ, बस यही अहंकार का रूप ले लेता है। यही प्रेम जब मेरा पति, पत्नी, माँ बाप, भाई बहन के प्रति, उनके शरीरों के प्रति हो जाता है, मोह का रूप ले लेता है। यही प्रेम जब धन, दौलत, मकान, रेफ्रिजरेटर, कार, उनकी तरफ हो जाता है, यही लोभ का रूप ले लेता है। तो प्रेम कोई खराब चीज़ नहीं है, प्रेम बहुत अच्छी चीज़ है, उत्तम है, लेकिन प्रेम का जब स्वरूप बिगड़ जाता है तो वो विकार बन जाते हैं। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में राग और द्वेष, इन दो शब्दों का बहुत उसके अंदर वर्णन किया गया है। परमपिता परमात्मा के अंत में दो महावाक्यों के साथ मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, ब्रह्मा बाबा जिनका आप सामने चित्र देख रहे हैं, जो इस संस्था के साकार संस्थापक थे, इनके साथ रहने का, और इनके साथ रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैंने खुद देखा किस प्रकार से वो इन गुणों की प्रतिमूर्ति थे। एक एक गुण, शक्तियाँ उनके अंदर ऐसे कूट कूट कर भरे हुए थे। हमें अनुभव है परमात्मा के सम्मुख ब्रह्मा बाबा, वो खुद अपने को भगवान नहीं कहते थे, वो भगवान का माध्यम थे, वो तो हमारे आपकी तरह साधारण व्यक्ति ही थे, लेकिन उन्होंने इतनी उच्च मानसिक स्थिति प्राप्त कर ली थी जब उनके सम्मुख जाते थे। मेरा खुद व्यक्तिगत अनुभव है, उनके सम्मुख जाते थे, बस सम्मुख गए, मन में प्रश्न ये पूछेंगे बाबा से, जैसे ही सामने गए, बाबा एक मिनट जरा सा दृष्टि दी, दृष्टि देते ही बस उसके बाद, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी कि वो मन का प्रश्न भी बता देते थे, उसका समाधान भी कर देते थे। इतनी उच्च मानसिक स्थिति के वो अनुभवी थे। केवल इतना ही नहीं, जब हम लोग जाते थे, मिलते थे बाबा के सम्मुख, बाबा ऐसे हाथ फैला दे, आओ बच्चे, बस ऐसे हाथ बाबा ने फैलाया, हम चुंबक की तरह जैसे बाबा की बाहों में खिंच जाते थे। बाबा दृष्टि देते थे, और जैसे ही बाबा ने दृष्टि दी, नैन मुलाकात हुई, हम विदेही हो जाते थे, देह के भान से एकदम परे हो जाते थे। ये उनकी इतनी शक्ति थी, और कुछ क्षणों तक, कुछ मिनटों तक देह भान से एकदम परे होकर आत्माभिमानी स्थिति में हो जाते थे। फिर बाबा को ही हमें देह में लाना पड़ता था, ऐसे थपथपाते थे, और फिर हम देह में आते थे, फिर प्रसाद खिलाते थे, और फिर हम निकलते थे, दूसरा आता था, तीसरे आते थे, इस तरह सब बाबा से मुलाकात करते थे। तो ये उनकी आत्मिक स्थिति का द्योतक था, कि उनकी इतनी आत्मिक स्थिति पक्की हो गई थी कि जिसको भी वो देखते थे वो तुरंत आत्मिक भाव में आ जाता था, शरीर का भान भूल जाता था। ये सारी बातें कल्पना की या किताबों की, शास्त्रों की नहीं है, ये व्यक्तिगत रूप से हमने देखी हैं, अनुभव की हैं, किस प्रकार से वो प्रकृति के विजयी थे, जो पांच तत्वों के ऊपर भी। मैं उस दिन यही था जिस दिन बाबा ने अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया, 18 जनवरी 1969, और बाबा ने जब अपनी इच्छा से, जो भीष्म पितामह का गायन है, बाबा ये कह के बस गए कि अच्छा बच्चे, बाबा छुट्टी लेता है, विदाई लेता है क्लास के बाद होके, बाबा बस गए अपने कमरे में। इतने सालों में कभी बाबा ने नहीं कहा
बाबा छुट्टी लेता है, विदाई लेता है, नहीं। और उसके बाद कमरे में गए और बस अपनी इच्छा से कैसे देह त्याग करके अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया। लेकिन विशेष बात क्या है कि पांच तत्वों से बना ये शरीर अगले 70 घंटे तक रखा रहा। सब तरफ से लेटर आते रहे, आप शरीर रखो, हम पहुंच रहे हैं। तो 18 जनवरी 1969 को उन्होंने शरीर छोड़ा। 18 जनवरी की रात रखा रहा, 19 का दिन, 19 की रात, 20 का दिन, 20 की रात, और 21 को भी दोपहर के बाद उनका संस्कार किया गया। लेकिन इतना इन पांच तत्वों से बने हुए शरीर को भी उन्होंने पवित्र बना लिया था। उसमें कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया, कोई दवाई नहीं लगाई गई, लेकिन बाबा के शरीर में कहीं भी ऐठन नहीं थी, कोई कालापन नहीं था, कहीं पर कोई बदबू नहीं थी, कोई भी डिसइंटीग्रेशन बॉडी का नहीं था। और मैंने कई बार बाद में डॉक्टरों से पूछा, कईयों से डिस्कशन किया, उन्होंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन हमने तो खुद देखा, साक्षी हैं इस बात के। ये है प्रकृति के तत्वों के ऊपर भी विजय का प्रतीक। ऐसी आप अनेक बातें यहाँ केवल सुनेंगे ही नहीं, अनुभव करेंगे। और इसी शुभ भावना के साथ कि आप यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आपका स्टे बहुत ही कंफर्टेबल रहे, आप यहाँ से भरपूर होके एक प्रकाश स्तंभ बन के जाएँ, जो जाने के बाद सब जगह प्रकाश ही प्रकाश, ज्ञान प्रकाश फैलाते रहे। इन्हीं शुभ आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।